जन्मों की कहानी उसमें पश्चिम नेत्र से क्या जन्मों की अनेक जन्मों की अगर विचार सागर मंथन देंगे तो अनेक जन्मों की कहानी विचार सागर मंथन होगा तो तभी जबकि सर्विस का बैलेंस होगा सर्विसेबल बनेंगे तो विचार सागर मंथन चलेगा और जो जितना जास्ती सर्विसेबल बनेंगे सर्विस का बैलेंस जिनका ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगा तो उनका विचार सागर मंथन भी जास्ती जास्ती चलेगा वहाँ की घटनाएं उस जन्म की घटनाएं उस जन्म की छोड़ो यहाँ तो यही शूटिंग पीरियड में यही मंथन चलता रहेगा शूटिंग पीरियड देखते जाएंगे टैली करते जाएंगे शूटिंग पीरियड में ही सब कुछ देखने में आएगा बुद्धि चलेगी कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है ब्रॉड ड्रामा में होता तो वही है जो यहाँ शूटिंग पीरियड में हो रहा है यहाँ सूक्ष्म रूप में होता है वहां ब्रॉड रूप में होता है स्थूल रूप में होता है और अपने जन्मों की कर्म कहानी का साक्षात्कार सिर्फ अपने को ही नहीं होगा जो और भी संगी साथी हैं पुरुषार्थी हैं वो भी समझेंगे कि इनका पुरुषार्थ कैसा है जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं
समझते तो हैं कि ये तीखा है, ये डल है, पता लग जाता है। बाबा, मैं बाप के बच्चे तीन प्रकार के, प्रजा भी है, भक्त भी है, आवारा दल भी, तो उनकी निशानी आप भी कैसे पहचानेंगे? जो वारसदार होंगे तो राजा बनने वाली क्वालिटी की होंगे कि ना, तो जो राजा बनेंगे उनकी चलन भी रॉयल्टी की होगी या ऐसी साधारण चलन होगी, तो स्पेशल उनकी चाल ही देखने में आ जाएगी। सर्विसेबल होंगे या न सर्विस करने वाले होंगे? जब राजा बनेंगे तो प्रजा तो बनाई होगी, ढेर की ढेर प्रजा बना, लाखों कहीं प्रजा होती है तब कहीं राजा होता है। एक राजा होता है, उसके नीचे लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो इतनी लाखों आत्माओं को संदेश भी तो दिया होगा, लाखों आत्माओं की नज़रों में वो चढ़े हुए भी तो होंगे कि देखो इन्होंने हमको कितना श्रेष्ठ रास्ता बताया। ये तो राजाओं की क्वालिटी हो गई। फिर प्रजा वर्ग की, प्रजा वर्ग वाले क्या करेंगे? पवित्रता का पुरुषार्थ करेंगे? यहाँ जो ब्राह्मण जीवन में है वो मुख्य पुरुषार्थ क्या है? घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने का पुरुषार्थी जीवन हो। तो जो संदेश तो ले लेते हैं लेकिन पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं करते। जब पवित्र रहने का पुरुषार्थ ही नहीं करते तो रेगुलर क्लास भी, परमात्मा बाप की पढ़ाई भी नहीं पढ़ते, फिर ईश्वरीय सेवा की तो बात ही नहीं, तो प्रजा में चले जाते। और फिर ऐसे भी हैं, क्लास भी करके दिखाते हैं, लोग समझते हैं ये बड़े सर्विसेबल हैं, लेकिन बाप की नजरें समझते हैं ये सर्विस नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और ही डिसर्विस कर रहे हैं, माने दिखावटी ज्यादा हैं, पब्लिक को रिझाए लेते हैं, लेकिन बाप को तो रिझाए नहीं सकता कोई, तो वो भक्त बनते हैं। भक्तों में दिखावा ज्यादा होता है, सुनना और सुनाना जास्ती होता है, पॉम्प एंड शो जास्ती होता है, ऐसे फिर और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भक्त बन जाते हैं। बाबा, जो शिवपात्र है लेकिन वो ज्ञान में उनका फर्क है, आगे चल के ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। लिंगायत संप्रदाय वाले हैं, अभी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब हम बीज रूप आत्मा जो असली लिंग स्वरूप धारण करने वाले हैं, शालिग्राम हैं, जब हम अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि में जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर चैतन्य चित्र सामने हो तो समझने वाले को जल्दी समझ में आएगा या जड़ चित्रों से समझ में आएगा? चैतन्य चित्र से और जल्दी आए, तो कमी क्या है? कमी है कि जो लंगायत संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के जो असली हैं मन के, वो तैयार हो जाए। और बाबा, 84 जन्मों का पाठ जिनका खुलेगा वही स्वर्ग में आएगी। एक होता है स्वर्ग इसी जन्म में प्राप्त होता है, और एक स्वर्ग ऐसा होता है जो ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होगा। ब्रह्मा बाबा को भी 84 जन्म मिलेंगे, और जो आत्मा यहाँ इसी दुनिया में रहते रहते शरीर के साथ ही स्वर्ग का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं करेंगे। मान लो ये बिल्डिंग गिर गई, बहुत दब के मर गए, हाय हाय करते चिल्लाते रह गए, लेकिन फिर भी जैसे आजकल भूकंप आते हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, कोई ऐसे अंदर निकल पड़ते हैं जिनको कोई भी जोखिम नहीं होता, बड़े आराम से जीते जागते प्रसन्न चित्त निकलते हैं, तो उनको उस दुख की भयावह स्टेज में सुख हुआ या दुख हुआ? इसलिए कुरान में लिखा है कि जब कयामत होगी
तो जो खुदा के बंदे होंगे वो बड़े मौज में रहेंगे, जीवन होते हुए भी उनको सुख अनुभव होगा, दुख अनुभव नहीं होगा। तो वो भी 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट है, लेकिन अंतर है, उन्होंने शरीर रहते रहते सब कुछ देखा, विनाश का अंत भी देखा। जो मुरली बोला है, जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा। और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ वर्ष उनके कम हो जा रहे हैं। ब्रह्मा की तीन पत्नियां दिखाती है, तो यहाँ पर वेद में कैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्मा की तीन कौन सी पत्नियां? गायत्री, सावित्री और सरस्वती। उनको गंगा, यमुना, सरस्वती के रूप में भी कह देते हैं। हाँ, तो यज्ञ के आदि में भी गंगा आदि का पाठ बजाने वाली कोई थी भी नहीं थी, है? और आदि में थी तो एडवांस पार्टी में भी कोई गंगे होगी कि नहीं होगी? आदि में भी कोई ऐसी निकली थी जो सब देखते थे कि बिल्कुल फिदा है, आते ही बाबा के गले में लटक जाती थी सब पूरे मजमे के सामने। तो आदि में भी जमुना थी, आदि में गंगा भी थी, और सरस्वती का तो पार्टी है मध्य में आने का, मध्य में चले जाने का। वो बेसिक में भी थी तो एडवांस में भी, एडवांस में भी सरस्वती जगदम्बा का पार्ट है, मध्य में आती है और मध्य में ही लोप हो जाती है। हाँ, शिवजी का क्या अर्थ है? शिव का अर्थ नहीं मालूम है? है? हाँ, संगम युग में जो शिव आते हैं वो असुरों को सपोर्ट करते हैं या देवताओं को सपोर्ट करते हैं? है? देवताओं को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो कलयुग में शिवाजी हुए महाराष्ट्र में, उन्होंने सपोर्ट किसको किया? औरंगजेब और उनके फॉलोअर्स को सपोर्ट किया या देवात्माओं को सपोर्ट किया? देवात्माओं को सपोर्ट किया, उन्हीं का सहयोग लिया, उनसे टकरा गए। शिवाजी किस बात में सिद्धहस्त थे? उनको सिद्धि मिली हुई थी, किस बात में? संगठन का किला बनाने में उनको सिद्धि मिली हुई थी, मुसलमान कितने आक्रमण करते थे लाखों की सेना लेकर के, और वो ऐसा किला तैयार कर लेते थे जिनके उनकी सेना सारी धराशायी हो जाती थी। और किला अगर देखा कि ये नेस्तनाबूद होने वाला है मुसलमानों से, उससे पहले ही दूसरा किला तैयार कर देते अंदर ही अंदर। खुदा न खास्ता कहीं उनके चंबे में फंस भी गए तो भी निकल गए। दिखा दिया अपने जीवन में ही कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है, सच्चाई किसी के दबने वाली नहीं है। शुभावा प्रमुख न रहे तो बहुत सारे संकल्प पैदा होते हैं। शुभावा के सम्मुख आए तो संकल्प सब नष्ट हो जाते। सबके लिए ऐसा नहीं है, कोई विरोधी पार्टी की आत्मा यहाँ आके बैठ जाए तो उसको संकल्प उठेंगे या नहीं उठेंगे? हैं?
उठेंगे, ढेर सारे संकल्प उठेंगे, क्योंकि विरोधाभास से आया है, विरोधाभास की दुनिया से आया है, तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होगी। उन आत्माओं के लिए, किन के लिए लागू होगी? या उन आत्माओं के लिए बात लागू होगी जो जन्म जन्मांतर बाप की सहयोगी बन के रही है, बाप के सहयोग में रही है, बाप के विरोध में नहीं रही। तो उनको यहाँ सामने आने से भी ऐसा लगेगा, जब सामने आते हैं तो सब क्लियर हो जाता है, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो संघ का रंग बाहर की दुनिया का लग जाता है। जैसे बहुत से ऐसे कहते हैं कि फोन भी आ जाता है, तो जब फोन आता है तो सारी बात भूल जाते, वैसे बुद्धि में चलता है कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ये बात ऐसे वो बात वैसे, लेकिन जो फोन की लाइन का कनेक्शन आया, वाइब्रेशन वहां पहुंचा और सब भूल जाते। और बाबा, ज्ञानेश्वर के पीठ पर रोटी क्यों? क्या बोला? ज्ञानेश्वर की कंधे के ऊपर रोटी, ज्ञानेश्वर की पीठ के ऊपर रोटी पकाते हैं, रोटी पकाते हैं। अच्छा, हैं भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? एक रोटी पकाई। किसने? जिंदा रहते। क्या? तो चूल्हा जलाया था, क्या किया था? उनके पीठ पर रोटी, अरे भूख लगी थी उनको, तो उस समय मुक्ताई ने उनकी पीठ पर आटा भी बनाया, रोटी भी पीठ पर बनाई, तो सेक गई अपने आप, अपने आप सेक गई। तो मतलब उनका टेम्परेचर उतना था, उनका टेम्परेचर उतना था। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? कोई घटना ऐसी कही नहीं थी उनको, इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध में आए जो हाँ क्रोध के कारण रोटी पक गई। है तो क्राइस्ट के जीवन में, गुरु नानक के जीवन में बहुत ऐसी अजीबो गरीबों के कथाएं सुनाते हैं जिनका कोई आगे पीछा नहीं होता है। जैसे उन्होंने एक दीवार भी चलाई थी, शिव बाबा आकर के ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं करता है? शिव बाबा तो चमत्कार नहीं करता है। बाबा से 40 साल लगते हैं, 50 साल वो कहाँ से? सतो प्रधान जब बाप होगा तभी सतो प्रधान बनेंगे कि पहले से ही बनना शुरू हो जाएंगे? तो तुम्हें पता नहीं कि बाप कब से होता है? 76 से 60 साल जोड़ दो तो कितने हुए? हैं? कितना हुआ? 36 हुआ, 2036। हाँ जी, बाबा तिरुपति में बाल क्यों कटवाते? तो पति को कितनी पत्नियां थी? तो जिसको दो पत्नियां होंगी, वो दो पत्नियां सत्युग त्रेता में देवताओं को होती है कि द्वापर कलयुग में होती है? और तिरुपति की जो झगड़ा है कि तिरुपति, वो कहती नहीं मेरो ने पने ते, मेरो नहीं तेरो पति, तेरो नहीं मेरो पति, ये झगड़ा द्वापर युग की बात है या सत्युग त्रेता की बात है? हैं, कहाँ की बात है? द्वापर कलयुग की बात है। तो द्वापर कलयुग की शूटिंग में ये तेरो पति मेरो पति के झगड़ा चला होगा। अब उस झंझट में जो पड़ेंगे उनका माथा जरूर मुड़ा जाएगा। और ऐसा है कोई भी नहीं जो माथा मुड़वाने न जाता हो। बच्चे भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, सब माथा मुड़वाते हैं जाके।
कितना भी ज्ञान समझाओ ये परचिंतन की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। भारत माता के, भारत माता का जो नक्शा है उसमें ऊपर की ओर उत्तर साइड में तिरुपति का मंदिर है या नीचे की ओर दक्षिण साइड में मंदिर है? दक्षिण साइड में वो मंदिर है। क्या राइटियस टांग में भी नहीं है, लेफ्टिस्ट में? शूटिंग पीरियड की उत्तरती कला है। याद का जहर पीना है। याद का जहर पीना? याद को कोई जहर होता है? नई बात कहां से निकाल दी। याद का घृत पीना है। अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है, याद का घृत पीना है। याद का जौहर, जौहर मैंने जैसे तलवार होती है उसमें धार बनाई जाती है तो उसको कहते हैं धारदार तलवार, जौहर वाली तलवार। तो तलवार में जौहर थोड़ा ही होता है, तलवार को जो चलाने वाला होता है उसमें याद का जौहर भरा हुआ होता है, तो अच्छी तलवार चलाता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे तो ज्ञान की तलवार तुम्हारी जौहर वाली हो गई, ज्यादा अच्छी चलेगी, ज्यादा लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। वो जौहर है, जहर नहीं। और राम तो फेल हो गया, वो कैसे नेक्स्ट टू गार्ड हो जाएगा? फेलियर को नेक्स्ट टू गार्ड कहेंगे। जो राम फेल हो गया वो आज की बात है, फाइनल पेपर की बात है या शुरुआत के पेपर की बात है? शुरुआत की बात है। राम थोड़ा ही है, राम राम राज्य कहा जाता है। क्या राम वाली आत्मा जो है वो राज्य ऐसा स्थापन करती है? बाकी तो बताया है कि जो नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं। नारायण नहीं बनेंगे तो राम सीता भी नहीं बनेंगे। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उस नंबर के राम सीता बनेंगे। बाबा संकट की जटाओं से गंगा के मुख से जल शिवलिंग पर गिरते हुए दिखाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है या भाइयों के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा है? कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाए उससे सिद्धि मिलेगी, भाई लोग बैठ करके जो ज्ञान सुनाते हैं उससे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। मान लो शंकर को त्रिनेत्रधारी दिखाते हैं, अब चित्रों में भाषण करते हुए तो शंकर जी को नहीं दिखाया, दिखाया है क्या? क्यों नहीं दिखाया है? क्या शंकर में शिव नहीं आते हैं? क्या शंकर में शिव आते हैं या नहीं आते हैं? आते तो हैं, फिर उनको भाषण करते हुए चित्र क्यों नहीं दिखाए हैं? इसलिए नहीं दिखाए कि जो शंकर का चित्र है उसमें चरित्र बनाने बजाने वाला देहधारी है या निराकार है? हैं? वो तो निराकार पार्ट बजाता है ज्ञान सुनाने का, और ज्ञान भी सुनाता है तो गुप्त बन करके सुनाता है या संसार में प्रत्यक्ष होकर के ज्ञान सुनाता है? हैं? गुप्त होकर के ज्ञान सुनाता है, इसलिए वो कोई समझ ही नहीं सकता। जब संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है तो वानप्रस्थी हो जाता है। वानप्रस्थी हो जाना माने भाषण देने का काम बंद हो जाता है, क्लेरिफिकेशन देने का काम खलास हो जाता है। इसलिए शंकर के जटाओं में जो गंगा दिखाई जाती है
उसका मतलब ये है कि गंगा जब अंत में निकली है तो इतनी गंगा ने सेवा की है, इतनी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाया है, अंतिम स्टेज में पहुंचाया है पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में, कि वो आत्माएं जो हैं वो भगवान के नजदीक पहुंचने वाली बन गई, पवित्र बन गई। इसलिए जटाओं में कन्या का चित्र दिखाते हैं कि कोई कन्या है गंगा के रूप में जो सेवा का बहुत बड़ा पार्ट बजाती है। पार्वती को भी इतना बड़ा पार्ट बजाते हुए नहीं दिखाते हैं सेवा का, गंगा का गायन है, पतित पावनी गंगा। राम को सतयुग में शत्रु में बताया, श्री कृष्ण को द्वापर युग में बताया, क्योंकि जब शूटिंग होती है, चार युगों की रिहर्सल होती है, तो त्रेता युगी शूटिंग में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। सन 76 से त्रेता युगी शूटिंग की शुरुआत, सन 76 में राम वाली आत्मा अर्थात प्रजापिता वाली आत्मा, वो 40 वर्ष ऐड होते हैं 7 साल में, तो 100 साल आयु पूरी हो जाती है, माना 100 साल ब्रह्मा के मृत्युलोक में खलास हो जाते हैं। फिर कौन सा पार्ट चलता है? हाँ, वो निराकार राम साकार राम में प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाता है, जो टीचर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए त्रेता युग की शूटिंग जब शुरू कहें तब होता है राम की प्रत्यक्षता, और वो 12 वर्ष तक का पीरियड अनुदा हुआ है। क्या 16 साल तक का पीरियड है सतयुग की शूटिंग का, और त्रेता युग की शूटिंग का पीरियड है 12 साल का। 76 से लेकर के और 87-88 तक कितने साल हुए? 12 साल हो गए। तो 12 साल में वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है, वो अपनी राजा ही स्थापन कर लेती है, पहले बैगर फिर बाद में बैगर टू प्रिंस के रूप में स्थिर हो जाती है। तो वो त्रेता युग में राम को दिखाया है, और फिर उसके बाद होती है द्वापर युग की शूटिंग 88 के बाद 89-90 से। वो जो द्वापर युग की शूटिंग है 8 साल की 88 से लेकर के 88-89 से 98 तक, उस शूटिंग पीरियड में कृष्ण वाली आत्मा जो है, जो सन 87-88 में उनकी 100 साल आयु पूरी होती है, सन 87 में नहीं, सन 47 में परमात्मा शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया, और प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा मुरली चलाना शुरू की। उससे पहले ब्रह्मा के मुख से मुरली नहीं चलाई जाती थी, तो जब से मुरली चलाई गई तब से प्रवेशता साबित हो गई। तो सन 47 में 60 साल और उसमें 40 साल और जोड़ दिए तो कितना हुआ? 87, 88। तो 88 का जो पीरियड है वो कृष्ण वाली आत्मा के प्रत्यक्ष होने का टाइम है। प्रत्यक्षता भी गुप्त रूप में रहती है, जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो माँ को और परिवार वालों को पता चलता है, औरों को पता नहीं चलता, ऐसे ही वो कृष्ण की सोल जो है वो राम वाली आत्मा के बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश होकर के ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाती है। 88 से लेकर के 98 तक गुप्त रहती है, जैसे पेट में बच्चा गुप्त रहता है, 98 के बाद अखबारों में प्रत्यक्ष हो जाती है, अखबारों में रेडियो में वो प्रत्यक्षता, वो पहला जन्म जैसे हो गया। इसलिए शूटिंग के हिसाब के आधार पर द्वापर युग में कृष्ण को डाल दिया है। बाकी ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई द्वापर में आता है, नहीं, द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है, और त्रेता युग की शूटिंग में राम बाप की प्रत्यक्षता होती है। युक्ति का बेहद कार्य क्या है? यू माने क्या? यू, यू माने क्या? यू, यू माने यू, आप हमको कहें हम तुमको कहें, यू माने तुम हैं, और पी माने, पी माने पियो, हाँ डायरेक्शन मिला, तुम पियो। दक्षिण भारत वाले भी पीते हैं और तुम भी पीते हैं, वो पहले पी लेते हैं, कौन
दक्षिण भारत वाले जो भाषा भी नहीं जानते हैं वो ज्ञान जल पहले पी लेते हैं, उनके पीने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाषा ही पूरी नहीं जानते हैं तो गुह्यार्थ को भी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए डायरेक्शन है तुम पियो, यू पी, तुम पियो तो काम बन जाएगा। लेकिन वो पीते ही नहीं, कुंभकर्ण जी द्रंक हो ही पड़े। इसलिए यूपी वालों से खास बोला हुआ है, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। माने दक्षिण भारत वाले जो हैं वो सुन तो लेते हैं, ज्ञान को समझ भी लेते हैं, बाप को प्रत्यक्ष भी कर लेते हैं, लेकिन धर्म युद्ध की लड़ाई में मैदान में नहीं आते। और यूपी क्या करेगा? यूपी की आत्माएं जैसे ही निकलेंगी, जैसे ही बाप को पहचानेगी, बस धर्म युद्ध शुरू कर देंगे। या तो सत्य रहेगा या तो हम रहेंगे, असत्य रहेगा या तो हम रहेंगे। वैसे भी देखा जाए दुनियावी तौर से तो उत्तर भारत के लोग ज्यादा लड़न के होते हैं, धमचक्कर मचाने वाले होते हैं, या दक्षिण भारत के लोग ज्यादा धमचक्कर मचाने वाले होते हैं? यूपी के लोग, बिहार के लोग बहुत धमचक्कर मचाने वाले होते हैं। वो गवर्नमेंट में 5-year plan बनाए हुए हैं। दुनिया की गवर्नमेंट भी फॉलो किसको करती है? भगवान को ही फॉलो करती है। लेकिन भगवान की करनी में और दुनिया वालों की करनी में अंतर तो होगा ना। तो वो गवर्नमेंट भी 5-year plan बनाती है लेकिन सफल नहीं होते हैं। 5-year plan तो बनाती है, एक बार 5-year plan बनाया असफल हो गया, फिर दूसरे साल बनाया, फिर 5-year plan 10वां साल चल गया, फिर वो भी सफल नहीं हुआ, फिर तीसरी बार बना दिया, 15 साल का हो गया, फिर सफल नहीं हुआ, और अभी तक भी 5-year plan बनाते रहते हैं। उनके तो सफल नहीं होते क्योंकि उनके विधि विधान ही गलत है। और यहाँ तो भगवान ही खुद 5-year plan बना के देता है। संपूर्णता वर्ष कौन सा हुआ? 77। सन 77 से लेकर के 5 वर्ष ऐड करो है 81 में पूरा होता है 5 वर्ष, और 82 में वो फुल बेगर जिसको कोई ठिकाना नहीं होता। बेगर की परिभाषा बताई मुरली में, बेगर के पास तो फिर कुछ भी ना हो, कुछ भी माना कपड़े भी नहीं, हाँ कोई संबंधी नहीं, कोई घरबार नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। बैगर को बैंक बैलेंस होता है क्या? नहीं। हाँ आज के झूठे बैगर्स को तो होता है, लेकिन जो असली होते हैं बैगर उनको कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में तो बैगर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास 100, 200, 1000, 2000, 1,00,000, 2,00,000 हैं भी तो क्या करे? ईश्वरीय सेवा में लगा करके बैगर बन जाए। फुल बैगर बनेगा तो फुल प्रिंस भी बनेगा। तो ये प्लान सन 77 से शुरू होता है, 77 से शुरू होकर के, और वो फुल बैगर 82 में जाकर के अपने पैरों खड़ा हो जाता है। जो फुल बैगर से फुल प्रिंस बन जाएगा तो उसको किसी से भीख मांगने की दरकार रहेगी कि या दूसरे उसके अधीन होकर के आ गएंगे? जो प्रिंस होगा वो किसी के अधीन रहेगा या दूसरे उसको अधीन होंगे? दूसरे उसके अधीन हो सकते हैं, लेकिन प्रिंस सिवाय एक राजा के और किसी के अधीन नहीं हो सकता। तो ये शिव बाबा का प्लान है, 5-year plan एक ही बार चलता है, और एक ही बार में फुल बैगर टू फुल प्रिंस संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। बाबा अकेला चरण बाहर नहीं, ठीक है।
सबसे ज्यादा मोटा छिलका कौन से दाने का होता है? हैं? चावल का? हैं? चने का छिलका बहुत बड़ा भी होता है और मोटा भी होता है, लेकिन चना का जो चना जो को जो बीज है वो प्रवृत्ति मार्ग वाला बीज है या निवृत्ति मार्ग का बीज है? कैसे? उसमें दो दालें होती हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, इसमें दो दालें नहीं होती, हो गया निवृत्ति मार्ग का। और चना, मटर या कोई भी दाल, वो डबल दाल होती है। मोटा छिलका होता है, बड़ा छिलका होता है। प्रश्न क्या था? चना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो चने के लिए कहावत है कि अकेला कुछ नहीं करेगा। अकेला माने प्योरिटी है ही नहीं, जो अकेला है, जैसे सन्यासी, सन्यासी अकेले होते हैं या यूनिटी में होते हैं? उनकी तो यूनिटी है ही नहीं, अपने ही घरवार की यूनिटी तोड़ देते हैं तो दूसरों की यूनिटी क्या बनाएंगे, तो उनकी यूनिटी नहीं। तो चने के लिए कहावत है, जब तक अकेला है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। भाड़ माने ये दुनिया क्या है? हेल है, दुनिया है एक प्रकार का हेल, उस हेल को नष्ट करने का काम अकेला नहीं कर सकता। कब करेगा? जब संगठन तैयार करे, और संगठन तैयार होता है प्योरिटी से, प्योरिटी होगी तो यूनिटी बनेगी, और यूनिटी सच्ची बनेगी तो झूठी दुनिया का विनाश होगा, नहीं तो झूठी दुनिया, ये हैल दुनिया, ये खत्म नहीं हो सकती। भंभोर है, इस भंभोर को आग ही तब लगेगी जब संगठित रूप से बीज रूप आत्मा संसार के सामने आवेगी। इसलिए बोला, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी संगठन नजर आ रहा है कहीं, या और ही बिखरते हुए नजर आ रहे हैं? हैं? क्या देखने में आ रहा है? और ये सब दिल के दिल आपस में टूटे हुए हैं, जो गीता पाठशालाएं चल रही हैं वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, सब आपस में टकरा रहे हैं। अच्छा ना, बेचारा अकेला रह गया। तो कहावत बन गई, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। साक्षात्कार ठीक है, जो सूर्यवंशी होंगे पहले अपने सूर्यवंशी घराने को समझा सुना देंगे, और ब्रह्मा बाबा को सुनाने वाले कौन थे, और अष्टदेवों को सुनाने वाला कौन था? है बाप है अष्टदेवों को सुनाने वाला, और ब्रह्मा बाबा को सुनाने वाला माता है, तो अंतर पड़ता है ना। और ब्रह्मा के मुख से जारी शिवलिंग के ऊपर देवता, ब्रह्मा के मुख से, गंगा के मुख से जल निकल कर, गंगा जो ज्ञान जल सुनाती है, उस ज्ञान जल से जो शिव का साकार स्वरूप है उसकी भी गति सदगति होती है। क्या कन्याओं माताओं के मुख से ही उद्धार होगा? माता को गुरु जरूर बनाना पड़े, माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो सकता। ये माताएं हैं गंगा यमुना सरस्वती, उनमें सरस्वती का यमुना का उतना गायन नहीं है। किसका गायन है? गंगा का गायन है। क्यों गायन है इतना गंगा का? क्योंकि गंगा की देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली नहीं होती है, और जो नदियां हैं उनकी मिट्टी चिपकने वाली है। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि बाप बेटे का कनेक्शन है, बाप रचयिता होता है और बच्चा
रचना होता है, बच्चा बच्चा बुद्धि होगा और बाप बाप तो सगीर बुद्धि होगा, सालिम बुद्धि होगा, तो अंतर नहीं है। वो बच्चा जब तक सालिम बुद्धि न बने तब तक बाप समान स्टेज थोड़ी कही जाएगी। और ये 10 जनरेशन हो गई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फर्क होगा या नहीं होगा, और थोड़ा फर्क होगा या बड़ा फर्क होगा? बड़ा फर्क हो जाता है। कहाँ सूर्यवंशी, कहाँ चंद्रवंश, कहाँ इस्लाम वंश, फिर कहाँ बौद्धि वंश, फिर कहाँ क्रिश्चियन वंश, एक दूसरे से उतरती कला वाले होते जाते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्नों में कहाँ हीरा और कहाँ पन्ना मोती मूंगा माणिक्य, उनकी कीमत में तो बहुत अंतर होता है। ऐसे ही राम और कृष्ण में भी अंतर है, उनके 84 जन्मों की प्राप्ति में भी अंतर है। सृष्टि चक्र में और कल्प वृक्ष में आत्माओं को जाते हुए दिखाया है, लेकिन सृष्टि चक्र में ब्रह्मा सरस्वती, कल्प वृक्ष में शंकर, इसकी शूटिंग यहाँ कैसे? जो ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए हैं उनको जगत पिता जगदम्बा समझना है, ऐसे नहीं समझना कि ये ब्रह्मा सरस्वती राधा कृष्ण वाली आत्माएं बैठी हुई हैं। क्या समझना है? ये जगत पिता और जगदम्बा बैठे हुए, इनके फोर्स से आत्माएं ऊपर जा रही है। और झाड़ के क्षेत्र में जगत पिता जगदम्बा, ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात हो गई। झाड़ के चित्र में तो सब धर्मों की बात है, तो वहां सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग की बात नहीं है, सारी दुनिया की सतगति गति होनी है, इसलिए सिर्फ शंकर को दिखाया है। क्योंकि तो सारी दुनिया की आत्माएं प्रवृत्ति को नहीं मानती है, वो क्या मानती है? सिर्फ भगवान को। भगवान को एक मानती है या डबल मानती है? एक मानती है। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। तो शंकर को बैठाया हुआ है और सब आत्माओं को खींचता है। जैसे मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो जो भी आत्मा रूपी बच्चे परमधाम जावेंगे वो आत्मिक स्थिति में स्थित होके जावेंगे या देवान की स्थिति में स्थित होके जावेंगे? आत्मिक स्थिति में भी अपनी अपनी पावर से स्थित होने वाले तो बहुत थोड़े हैं, बाकी तो बाप ही उनको रूहानी नजर से खींचेगा। और लक्ष्मी नारायण ने लक्ष्मी का मर्तबा बनाया है नारायण, लक्ष्मी नारायण ने दोनों ने किसका मर्तबा बनाया? लक्ष्मी नारायण नारायण गायन के रूप में जब कहा जाता है बोलने के आधार पर, तो लक्ष्मी का मर्तबा आगे है और नारायण पीछे है। क्यों? लक्ष्मी का नाम इसलिए आगे है कि बिना उसके नारायण भी संपन्न नहीं बन सकता, क्योंकि संपन्न पुरुषार्थ के लिए, संपन्न स्टेज की राजयोग की अवस्था पाने के लिए प्रवृत्ति का होना जरूरी है, और प्रवृत्ति भी समान की होनी चाहिए या असमान की होनी चाहिए? जैसे शादी होती है तो एक दूसरे का मेल मिलाते हैं कि नहीं? क्या मेल मिलाते हैं? हैं? शरीर से भी एक जैसे हो, एक बहुत मोटा हो और एक बहुत पतला छोटा हो, घंटा हो, तो प्रवृत्ति चलेगी? दिन बहुत दिन प्रवृत्ति नहीं चलेगी, फेल हो जाएगी। एक बहुत रईस हो, साहूकार हो घर का, और एक बिल्कुल गरीब हो, बेगर हो, तो उनकी प्रवृत्ति बना दी जाए तो चलेगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही ये ईश्वरीय रास्ते में भी जो समान पुरुषार्थी आत्माओं का जब मेल होता है पुरुषार्थ के रास्ते में,
तो फिर विजयी बन जाती। अब वो मेल वाइब्रेशन के आधार पर हो जाए, दृष्टि के आधार पर हो जाए, कर्म इंद्रियों के आधार पर हो जाए, वाचा के आधार पर हो जाए, वो एक अलग बात है। हाँ शूटिंग बताए अभी बाबा, तो ये शूटिंग पीरियड में भी सचिव जी शूटिंग में सत्व प्रधान, और सत्व प्रधान में ब्रह्मा सरस्वती ही ये बातें क्यों बताते, इसका मतलब क्या? ब्रह्मा कितने हैं और उनकी सरस्वतियाँ कितनी हैं? जैसे ब्रह्मा चार पांच हैं तो उनकी सहयोगिनी शक्तियाँ भी अलग अलग हैं, इसीलिए बताते हैं। बाबा सचिव के आदि में 9,16,108 बताई जनता आदि में नहीं, सचिव के पहले जन्म में अंत में 2 करोड़ बताया। हाँ सचिव के अंतिम जन्म में आखिर में माने त्रेता के आदि में, त्रेता के आदि का जो जन्म है और सचिव के अंतिम जन्म 8वां जन्म है उसके अंत में 2 करोड़ आबादी। कितनी 10 करोड़ ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ एक्यूरेट नहीं बताई। हाँ दो करोड़ से 10 करोड़ कितने गुनी बढ़ गई? 5 गुनी बढ़ गई। त्रेता में ही 5 गुनी बढ़ गई तो दो द्वापर युग में और कई गुनी बढ़ेगी या कम कम बढ़ेगी? हैं? हाँ बढ़ोतरी का जो अनुपात है ज्यादा ही हो जाएगा। और फिर कलयुग में, कलयुग में तो और ज्यादा, 47 में ही भारतवर्ष की आबादी 40 करोड़, अब 47 की जगह कितना हो गया? 60 साल हुआ ना, वो 60 साल में कितनी आबादी हो गई? 120 फिर दस करोड़ है, 120 माने 3 गुनी बढ़ गई 60 साल में ही, तो दुनिया की भी बढ़ गई होगी 3 गुनी। क्या कहा? त्रेता के अंत तक 10 करोड़, त्रेता के अंत तक लगभग 10 करोड़। ओ तो हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती है, ऐसे नहीं कि द्वापर युग में जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं आना बंद हो जाती है, नहीं वो भी उतर रही है। हर धर्म की आत्माएं अंत तक चलती है, बीच में कोई खलास होने वाले नहीं है। त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। जैसे द्वापर युग की शूटिंग 98 के आसपास आधा विनाश हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में या पूरा विनाश हुआ? आधा विनाश हुआ। और आज समाज में जो बुद्धिवादी वर्ग है वो श्रेष्ठ पद पर है, उनके पद पर है विराजमान है आज की दुनिया में, आज की दुनिया में, जबकि वो बाप को पहचानते भी नहीं है, जो हम संदेश देने जाते हैं तो मानते भी नहीं या पहचानते भी नहीं, तो वो उन्होंने कौन सा कर्म श्रेष्ठ किया? वो सृष्टि के अंत में है या बीच में है या शुरुआत में, उस पद उनको जो सृष्टि का चक्र है जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के मध्य में उनको उच्च पद मिलता है या आदि में मध्य उच्च पद मिलता है या बिल्कुल अंत में उनको उच्च पद मिलता है? कब मिलता है? तो आप अंत में लेने के लिए तैयार हैं?
नहीं तो बताया कि उन्होंने अंत में जाकर के बाप को पहचाना होगा क्या, जब बाप प्रत्यक्ष होने पर आ गया होगा कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई होगी, तब जाकर के अखबारों में निकलेगा टीवी में निकलेगा तब पहचानेंगे। तो थोड़े समय के लिए पहचानेंगे तो उनकी थोड़े समय की प्रारब्ध बनेगी या लंबे समय की प्रारब्ध बनेगी, हैं कैसी बनेगी? अरे ये बात नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही, वो अभी की बात नहीं है, वो अभी जो बैठे हुए हैं वो उनका लंबे समय का ड्यूरेशन है, यहाँ का थोड़े समय का पुरुषार्थ वहाँ का लंबे समय का पुरुषार्थ बन जाता है। तो मान लो 2018 में प्रत्यक्षता लुधी हुई है तो 2018 में जो आत्माएं संदेश लेंगी और तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे क्योंकि तत्व प्रधान होती है उस समय, तो उस समय का थोड़े समय का उनका पुरुषार्थ जो है वो इस समय इनको 4-5 वर्ष के लिए खरा जाए, धीरे धीरे निमित्त बन जाता है। उनकी राजाई में और देवता धर्म की जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनकी राजाई में तो बहुत अंतर है, वो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करने वाले हैं और वो सिर्फ अंतिम जन्म में, ये 4-5 वर्ष के लिए 6-8 वर्ष के लिए राजा बनते हैं। प्रजातंत्र सरकार में सबसे लंबे समय तक राजाई करने वाली कौन सी आत्मा हुई? नेहरू। बाकी तो सब उसके मुकाबले कम समय तक राजाई करने वाले, ऐसे ही बेहद के नेहरू से टैली कर दो, जो बेहद का नेहरू है वो सारा 5-4 वर्ष का जो ड्यूरेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक राजाई प्राप्त करने वाली आत्मा साबित हो जाती है। जैसे गांधी के जीवन में लागू हुआ, कितनी मेहनत की, राम राज्य लाएंगे लेकिन राम राज्य तो आया भी नहीं और कुछ उसमें हिस्सा ले भी नहीं सके। 1947 में ही स्थापना हुई स्वतंत्रता संग्राम की पूर्ति हुई और 1947 में ही चल बसे, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। ऐसे ही यहाँ कृष्ण की आत्मा के लिए भी लागू होता है, ऐसे ही सभी धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स के लिए भी लागू होता है। मूर्ते ने गोली मारी गांधी जी को, मूर्ते का बिना क्या है? ना माने नहीं, और थू थू माने थूकना, ना थू राम, लेकिन ऐसा था जैसे गॉड था, जो गांधी जी के ऊपर भी चढ़ाई कर दे, गांधी माने कृष्ण की सोल, कृष्ण की वो सोल को भी जो दबा दे और ऊंचा बैठ जाए तो क्या क्या साबित हुआ, जैसे भगवान हो गया। तो वो नाथूराम गॉड से नाम था, इतनी महान आत्मा को भी उसने गोली मार दी, कोई पॉइंट को लेकर के मारी होगी, ऐसे ही थोड़े ही मार देगा, कोई कमजोरी वाली बात देखी होगी तो गोली मार दी। और दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन है? इस दुनिया में देहधारी मनुष्य गुरु इतने हैं ढेर के ढेर, उनमें बड़े से बड़ा गुरु कौन है? हैं? शिव बाबा देहधारी गुरु है, हम तो देहधारी गुरु की बात कर रहे हैं, देह अभिमानी गुरुओं की बात कर रहे हैं कि देह अभिमानी गुरु हैं दुनिया में, उनमें सबसे बड़े से बड़ा देह अभिमानी गुरु कौन है? देखो ये लोग बहुत गलत बोल रहे हैं, ध्यान देना। तो जैसे वो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया का गांधी है, कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसे ही वो हद की दुनिया का गांधी है, हद की दुनिया के गांधी को हद के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और बाबा भी मुरली में बोलते हैं गुरुओं को मारो गोली, तो जो बेहद का नाथूराम गोडसे है उसने
उतरते समय उनको गोली मारी थी, सीढ़ियों से उतर रहे थे तब गोली मारी या चढ़ते समय गोली मारी? उतरते समय गोली मार दी। उस गांधी के लिए भी बोला है, गांधी मरा राजकोट में जाकर के, वो कोई बड़े साहूकार के यहाँ जन्म लिया, इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ? जो बेहद का गांधी ब्रह्मा वाली आत्मा है वो शरीर छोड़ती है, कहाँ जन्म लेती है? जो राजाओं का कोट है, कोट माने किला, क्या जो राजाओं का एडवांस पार्टी में कोट माने किला है, राजाओं का किला तैयार हो रहा है, संगठन तैयार हो रहा है, उस संगठन में कोई बहुत ज्ञान रत्नों का साहूकार कांग्रेसी है, उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में घुस जाती है, वहां जन्म ले लेती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। महाभारत में भीष्म को बाण की शैया पर दिखाया है, शिव के चित्र में राम वाली आत्मा को कठोर की शैया पर दिखाया है, ठीक है, और प्राइवेट को शिव जी पर चढ़ाया है, इसकी शुभिया की शुभिंग। राम वाली आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, उसके लिए तो बोला है ऐसी कोई बात नहीं दुनिया की जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, क्या वो तो बात छोड़ो, लेकिन जो भीष्म पितामह पार्ट दिखाया है वो प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट है या निवृत्ति मार्ग का पार्ट है? हैं, निवृत्ति मार्ग का पार्ट है, माने निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई ऐसी सशक्त आत्मा है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल होते हुए भी वो सहयोग किसका देती है? जो दे अभिमानी हाथियों के पुर में रहने वाले हैं उनका सहयोग देती है, क्या इंद्रप्रस्थ में रहने वालों का सहयोग नहीं देती है? माने पापाचारियों के सहयोगी बनते हैं, जो पुण्य आत्माएं पांडव हैं उनके सहयोगी नहीं बनते हैं। तो बीज रूप आत्मा में प्रत्यक्ष होंगे, टाइम आ रहा है। प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए, वो गवर्नमेंट के सर्वेंट है, सर्विस कर रहे हैं, उनका 10% पेमेंट को उसमें से कट कर प्रोग्राम के लिए, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो गई ये यहाँ शूटिंग नहीं होती है कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ लौकिक प्रोग्राम करती है तो तुम्हारी तनख्वाह में से, तुम्हारी आमदनी में से परसेंटेज काट लिया जाता है, हैं? एक एक रुपया रोज भंडारी में डालना पड़े, तो जो यहाँ होगा इस ब्राह्मणों की दुनिया में होगा तो बाहर की दुनिया में भी होगा, नहीं मानोगे तो गेट आउट। हाँ, वो संगठन कमेटियां ऐसी बना लेते हैं और वो मनमाने तरीके से कायदे कानून लागू करते हैं, मनमत चलाते हैं, बाकी गवर्नमेंट का तो ऐसा कोई नियम है नहीं। हाँ, अभी तो गांव-गांव में चल रहा है, देवी की पूजा को लेकर के कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, जबरदस्ती देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? दूर आने वाली है ऐसा बोल रहे हैं। और क्या बात है, भाइयों की संख्या कम होती जा रही है, भाइयों की नहीं, टीचर्स तो माताएं भी हैं। चलो।